नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। डोप टेस्ट में फेल्स रेसलर नरसिंह यादव की आज एनएडीए के सामने पेशी। नरसिंह के खाने में पाउडर मिलाने वाले संदिग्ध शख्स की हुई पहचान। रियो ओलंपिक में मिल सकती है जगह। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोगों का हाथ बताने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी आपत्ति। संसद में फिर अटका जीएसटी बिल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बन पाई सहमति। कई राज्यों ने भी बिल के मौजूदा प्रावधानों पर जताई आपत्ति। अगले सप्ताह पेश हो सकता है बिल। घेरे में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का लगा आरोप। और दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। ऐप बेस्ड कैब की सर्विस बंद कराने की मांग। डोप टेस्ट में फेल रेसलर नरसिंह यादव आज एनएडीए के सामने पेश होंगे। वहीं इससे पहले नरसिंह के खाने में पाउडर जैसा कुछ मिलाने वाले संदिग्ध शख्स की पहचान कर ली गई है। एनएडीए की सुनवाई से पहले सामने आया है कि एक शख्स ने नरसिंह के खाने में कुछ पाउडर मिलाया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह ने बताया कि रसोइये ने उस शख्स की पहचान भी कर ली है। संदिग्ध शख्स एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई बताया जाता है। इस मुद्दे पर भी एनएडीए में चर्चा होने की उम्मीदें हैं। दूसरी ओर प्रवीण राणा का नाम भेजे जाने के बाद भी नरसिंह यादव की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक उम्मीद ये है कि अगर एनएडीए से उन्हें हरी झंडी मिलती है तो डब्ल्यूएफआई उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। नरसिंह का नाम यूडब्ल्यूडब्ल्यू को दोबारा भेजा जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोगों का हाथ बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वो मानहानि के दायरे में है या नहीं। गुजरात के ऊना दौरे के दौरान राहुल गांधी द्वारा हत्या के प्रयास की आरोपी एक महिला को गले लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल गुजरात के ऊना में मृत गाय की खाल उतारने पर दलित युवकों को कार से बांध नग्न कर पिटाई किए जाने के बाद राहुल गांधी द्वारा वहां किए गए दौरे और उनसे मुलाकात के दौरान 46 वर्षीय कांग्रेस उपाध्यक्ष ने स्थानीय अस्पताल में एक महिला को गले लगाया। रमाबेन मुछाड़िया नामक इस महिला के बारे में पता चला है कि वह इनमें से किसी भी पीड़ित की रिश्तेदार नहीं थी। उक्त 55 वर्षीय महिला का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनमें एक बिल्डर से जबरन वसूली के लिए फोन करने, दंगा और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे मामले शामिल है। नोएडा एक्सप्रेस वे पर बनी एमरेल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को बड़ा झटका देते हुए कहा था कि सोमवार तक 5 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए। कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनी एमरलेड कोर्ट की 44 मंजिली दो टावरों के मामलों की सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14% ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने मौजूदा मानसून सत्र में लंबे समय से अटके पड़े जीएसटी बिल को पास कराने के दावे सत्र की शुरुआत में ही कर दिए थे, लेकिन अब तक बिल पर आम सहमति बनती नहीं दिख रही है। कल वित्त मंत्री जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से बैठक की, जिसमें कई राज्यों के जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों पर असहमति जताने के बाद सरकार इस हफ्ते जीएसटी को सदन में नहीं लाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते एक बार फिर सभी दलों खासकर कांग्रेस से बात की जाएगी और अगले हफ्ते बिल पेश करने की कोशिश होगी। राज्यों के साथ बैठक में इस सिद्धांत पर सहमति बनी है कि जीएसटी दर मौजूदा स्तर से कम रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ राज्यों द्वारा
सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले की आज सुनवाई करेगी। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी की 14 साल की रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ धारा 228A के तहत FIR दर्ज की है। इसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर बेबुनियाद FIR दर्ज करने का आरोप लगाया है। मालीवाल ने लिखा है कि दिल्ली महिला आयोग ने 14 साल की रेप पीड़िता के मामले में बुराड़ी पुलिस को नोटिस भेजा था, दो दिन बाद पुलिस ने मुझ पर ही FIR दर्ज कर दी। दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन है। आज फिर दिल्ली वालों को तगड़ी परेशानी हो सकती है। कल हड़ताल के कारण दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आज सरकार ने ऑटो और टैक्सी यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज कुछ यूनियन के सदस्य दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दरअसल ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर रोक की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। ऑटो टैक्सी वालों की मांग है कि बिना लाइसेंस के चल रही कैब सेवाएं बंद हो और अवैध ई रिक्शाओं पर कार्रवाई हो। दिल्ली में नए टैक्सी परमिट जारी ना हो, दूसरे राज्यों के ऑटो टैक्सी पर दिल्ली में लगे रोक। व्यापम घोटाले से जुड़े 634 छात्रों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 12 मई को अहम फैसला सुनाया था। दो जजों की बेंच ने दो अलग अलग फैसले सुनाए। फैसले सामूहिक नकल से जुड़े 634 छात्रों के संबंध में थे। खूंखार आतंकी संगठन ISIS की संदिग्ध गतिविधियों में जयपुर से पकड़ा गया इंडियन ऑयल कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर सिराजुद्दीन मुंबई में कई जगह बम ब्लास्ट करने की योजना में शामिल था। इसके साथ 32 आतंकी मिलकर इस योजना को अंजाम देने में जुटे हुए थे। ये खुलासा NIA की चार्जशीट में हुआ है। NIA चार्जशीट के अनुसार सिराजुद्दीन हनी ट्रैप के जाल में फंसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। केन्या की एक लड़की कनीता मीना ने इस प्यार का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। वह लीबिया जाकर इस लड़की से शादी करना चाहता था। सिराजुद्दीन उस लड़की से शादी करके जन्नत पाना चाहता था। मुंबई ब्लास्ट के लिए वे पुणे की एक 16 साल की लड़की का भी ब्रेन वॉश करके उसे कट्टरपंथी बना रहा था। निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को 14 वर्षीय रिम्पा हल्दर की हत्या के आरोप में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिम्पा हल्दर के पिता अनिल हल्दर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोहली और पंढेर दोनों ही अनेक हत्याओं के आरोपी है और रिम्पा हल्दर मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर को बरी करते हुए कोहली की सजा बरकरार रखी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस फैसले का दूसरा संबंधित मामलों पर कोई असर नहीं होगा। कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह राजस्थान पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच फरार हुआ ये अपराधी फेसबुक के जरिए लगातार पुलिस महकमे को चुनौती देते हुए अपराध को अंजाम दे रहा है। किसी भी वारदात के अंजाम देने से पहले ये सोशल मीडिया में उसका ऐलान करके खुलेआम चुनौती देता है। हाल ही में इसने एक बार फिर फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके 10 दिनों के अंदर एक और वारदात को अंजाम देने का बात कही है। 5 लाख रुपए के इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए कई IPS अधिकारी और 20,000 से अधिक जवान लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इनके गिरफ्त से बाहर है। उत्तर प्रदेश में आजकल पोस्टर वॉर का दौर शुरू हो गया है। तमाम मुद्दों पर पोस्टर के जरिए नेता एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई देते हैं। UP के संगम नगरी इलाहाबाद में भी ऐसा ही एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बसपा पर निशाना साधते हुए मायावती को सुपर्णखा और BJP से निष्कासित नेता दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को दुर्गा बताया गया है। इलाहाबाद के सिविल लाइन में लगे इस पोस्टर में लिखा है कि बेटी के सम्मान में समाज उतरा मैदान में। ये पोस्टर आरक्षण मुक्त महासंग्राम नाम के एक संगठन की तरफ से अनुराग शुक्ला नाम के छात्र नेता ने लगाया है। इस पोस्टर में मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई के दिन एक भी शिक्षा मंत्री कोर्ट में नहीं आना चाहिए।
यदि एक भी शिक्षा मंत्री कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी और ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा कि मामला सुनवाई के लिए उनके रिटायरमेंट से पहले नहीं आएगा। कोर्ट ने ये चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षा मित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दिया था। पीठ ने कहा था कि 300 आदमी कोर्ट कक्ष में आ जाते हैं जबकि उसमें 15 से 20 लोगों के खड़े होने की जगह है। भारत का मुख्य धारा का नौसैनिक लड़ाकू विमान MiG-29 के इंजन एयर फ्रेम और फ्लाई बाई वायर प्रणाली में खामी की वजह से संचालनात्मक कमियों का सामना कर रहा है जिसकी वजह से बेहद कम उपलब्धता है। शीर्ष सरकारी लेखाकार ने स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण में विलम्ब के लिए आलोचना भी की। CAG ने संसद में कल पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि विमान को विसंगतियों के बावजूद तकनीकी तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। CAG ने कहा, MiG-29 के जो अनेक भूमिकाएं निभाने में सक्षम विमान हैं और हवाई रक्षा बेड़े का अभिन्न हिस्सा व एयरफ्रेम RDMK-33 इंजन और फ्लाई बाई वायर प्रणाली में समस्याओं से ग्रस्त है। मुख्यमंत्री के तौर पर PM नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह BJP के सबसे लंबे कार्यकाल के CM बन गए हैं। सोमवार को बतौर CM रमन सिंह ने 1230 दिन पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने पार्टी में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो PM मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पार्टी नेता रमन सिंह को बधाई देने से बचते रहे। रमन सिंह ने 7 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनके नेतृत्व में जीत हासिल की और उन्हें CM पद पर बरकरार रखा। भारत में बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट के विशाल भंडार का पता लगा है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। ये बात एक शीर्ष अमेरिकी एजेंसी ने कही जिसने इस बड़ी खोज में मदद की। USGS के संयोजक ने कहा कि बंगाल की खाड़ी ऐसी खोज से गैस हाइड्रेट की वैश्विक ऊर्जा संसाधन क्षमता का फायदा उठाने और सुरक्षित तरीके से उनके उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने में मदद मिलेगी। USGS ने कहा कि ये खोज दुनिया में अब तक सबसे व्यापक गैस हाइड्रेट उद्यम का नतीजा है जिसमें भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल है। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन गई हैं। इसी के साथ हिलेरी ने इतिहास रच दिया क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की पहली महिला प्रत्याशी बनी हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी बनी हिलेरी क्लिंटन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप से इसी साल नवंबर में मुकाबला होगा। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हैं। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी प्रतिनिधियों ने हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा कि हिलेरी ने उन्हें पब्लिक सर्विस का नया नजरिया दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।